मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको कक्षा सात का इतिहास के विषय में बताएंगे। अध्याय एक का है पाठ कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, इसमें पहला हेडलाइन पूछता है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। क्या पूछा है? तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इतिहास में। तो तारीखों का तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे इसे पूछ रहा है, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रह देते हैं। कौन तारीख के जादू खोए रहता है? इतिहासकार, जो इतिहास को अपने हाथों से लिखे, इतिहास के सुर्ख पन्नों में उनके तारीखों को संलग्न करते हैं। तो कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती रहती थी। लेकिन आम समझ में के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याप्त माना जाता है। आम समझ में क्या इतिहास मानता है? तारीखों का हिसाब, तारीखों का पर्याप्त हिसाब माना जाता है, क्योंकि तारीखों से ही इतिहास है कि हमारा पिछले तारीख में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये इतिहासकार उसे अपने स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखकर छोड़ जाते हैं। वो रहे या ना रहे, लेकिन उनकी लिखी हुई इतिहास सदैव रहती है। तो इसमें आम समझ में क्या माना गया है इसको, कि इतिहास को तारीखों का पर्याप्त माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास बहुत उपजाऊ है भाई, इतिहास बहुत उपजाऊ। जिस प्रकार से इतिहास उपजाऊ खेती होती है, उसमें बहुत अच्छी फसलें होती हैं, उसी प्रकार से इतिहास को भी उपजाऊ माना गया है, क्योंकि उसमें हमारे इतिहासकारों ने ऐसे ऐसे तारीखों के स्वर्ण अक्षरों में लिख के छोड़े हैं, जो हमारी आने वाली कई पीढ़ियां उन्हें किताबों में याद करती हैं। इसलिए लोगों को यह कहते हुए सुना है कि इतिहास बहुत उपजाऊ है, बस तारीखें रटते चलो। इतिहास में क्या है, इतिहास की जानकारी किस प्रकार याद रहेगी, कि हम उनकी तारीखें अगर रटते चलेंगे हमें कोई भी तारीख भूलेगा नहीं इतिहास में। फिर उसके बाद दूसरा हेडलाइन दिया है कि कौन सी तारीख, फिर पूछता है कि कौन सी तारीख में है, कि कुछ तारीखों का महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। कुछ तारीखों के महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, कि हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों में हमारे इर्द गिर्द अतीत की कहानियां बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, बल्कि वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण देते हैं। अगर अध्ययन का हिसाब बदल जाता है, हम क्या करते हैं, हमारे अध्ययन का हिसाब तो बदल जाता है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है एक साथ रहती नहीं। सिक्स में हम कुछ पढ़ते हैं, सेवन में कुछ पढ़ते हैं, एट में कुछ पढ़ेंगे। इसीलिए यदि हमारे जो अतीत मतलब बीते हुए समय की कहानियां जो सुनते हैं बुनते हैं, अपने आप ही वो एक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इन महत्वपूर्ण घटनाओं को संजो कर रखते हैं। कुछ खास ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम सदैव इतिहास पन्नों में याद करते हैं। अगर हमारा अध्ययन या विषय बदल जाता है तो भी आगे के विषय में याद करके उसे हम सुनहरे अक्षरों में उसका अध्ययन करते हैं।